हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं एक नए लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज लास्ट टाइम जब उन्होंने फाउंडेशन लॉन्च करा था तो मैंने उसका रिव्यू नहीं करा था। एंड उसके कमेंट ना मैं अभी तक रिसीव करती हूँ कि प्लीज़ उस फाउंडेशन पर रिव्यू बनाओ। बट अभी वो काफ़ी पुराना हो गया है एंड मुझे पता लग गया कि वो मेरी ड्राई स्किन के लिए नहीं है, तो मैं उसे नहीं खरीदती हूँ। सो मैंने अपना बेसिक मेकअप किया हुआ है, लाइक यू कैन सी आई पुट वेरी लिटिल बिट ऑफ माय ब्लश, माय लिपस्टिक एंड सम स्किन टिंट, जो कि कंकोक्शन है एक फाउंडेशन एंड लूमी क्रीम का। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। वी आर डूइंग रिव्यू ऑफ नायका मैट टू लास्ट फुल कवरेज कंसीलर। इसका प्राइस है 650 rupees, लाइक 649 rupees। एंड ये फ्री आया है एक पफ के साथ, लाइक एक ब्यूटी पफ के साथ। सो इसकी इनर पैकेजिंग दिखती है कुछ इस तरीके की, स्टैंडर्ड कंसीलर पैकेजिंग जो उनके एस्थेटिक से मैच करे, बिकॉज इसकी जितनी भी रेंज है उस सब की पैकेजिंग सिमिलर कुछ ऐसी है। मैंने शेड ली है अपने लिए OY 05Y, इट मीन्स मीडियम येलो। एंड आई डोंट थिंक सो ये मुझे मैच करेगी, बिकॉज मैंने इसका हल्का सा स्वॉच करा है, बट आप देख सकते हो इसका डोफुट एप्लीकेटर दिखता है कुछ इस तरीके का, वेरी वेरी प्रिसाइज डोफुट एप्लीकेटर दो। एंड ये शेड दिखती है कुछ इस तरीके की, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरी शेड के अकॉर्डिंग काफ़ी वाइट है, लाइक इसके अंदर येलो टिंट है। माइट भी ये मुझे मैच कर जाए, बट मुझे इतना लग नहीं रहा है, बट देखते हैं कैसी मैच करती है ये। एंड अभी से हम अप्लाई करते हैं। सो मैंने कर दिया आपको जूम, जिससे कि आप टेक्सचर वगैरह अच्छे से देख पाओ। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये थोड़ा लिक्विडी थिक काइंड ऑफ अ कंसीलर है, जो कि आप बिल्ड कर सकते हो मीडियम टू हाई कवरेज में। एंड ग्रीस प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश देता है, बट हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है, लाइक समथिंग इज स्पेशल। बट ठीक है, देखते हैं क्या है। मतलब इस पर लिखा गया तो यही है, मैट फॉर्मूला है एंड हाइड्रेटिंग फिनिश देता है। इसके अंदर क्वांटिटी आती है 4.5 grams, जो कि कम है कंसीलर के अकॉर्डिंग, बट ठीक है। सो मैं इसे अप्लाई करती हूँ यहाँ पे हल्का सा एंड यहाँ पे। वैसे मुझे काफ़ी ठीक ठाक पिगमेंटेशन है, सो इससे पता लग सकता है कि ये कैसा ब्लेंड होता है। सो एक तरफ मैं ब्लेंड करूँगी इसे अपने ब्रश के साथ, स्टैंडर्ड जिससे मैं सारे फाउंडेशन ब्लेंड करती हूँ, ये आपको पता है। ये है अमेज़ॉन का ब्रश, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो सबसे पहले मैं इसे ब्लेंड करके देखती हूँ कैसा है ये। एंड हल्का सा ड्राई हो गया लगाते ही, शेड मुझे काफ़ी अच्छे से मैच कर रही है। ओके, काफ़ी स्किन लुक लाइक लग रहा है। सो लाइक यू कैन सी, काफ़ी स्किन लुक लाइक लग रहा है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ड्राई पैचेस नहीं पड़े हैं। लेट्स बिल्ड अनदर लेयर टू सी कि ये लेयर्स के साथ में पैची तो नहीं लगता। सो ये मुझे रिमाइंड करा रहा है एल्फ के कैमो कंसीलर की, बस वो ड्राई होता है, ये इतना ड्राई नहीं हो रहा है। ऑल दो ओ माई गॉड, कितना इजीली ब्लेंड हो गया है, लाइक ब्लेंड इन अ सेकेंड एंड नॉट लुकिंग पैची एट ऑल। क्रीज का हमें तब पता लगेगा जब हम इधर की साइड अप्लाई करेंगे एंड इसे ऐसे ही छोड़ देंगे बिना सेट करे, तो देखते हैं कैसे क्रीज करता है। सो फार आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड, बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन एंड इट लुक्स सो गुड ऑन मी, लाइक सो गुड ऑन मी। नाउ लेट्स अप्लाई दिस साइड। शेड मैचेज मी रियली वेल, मतलब ये इतनी जो येलोइश लग रही है ना, ये ब्लेंड होने के बाद में बहुत अच्छे से सेट हो रही है। एंड अब हम ब्लेंड करते हैं इसे पफ के साथ। पफ ब्यूटी ब्लेंडर सम काइंड ऑफ अ सिमिलर टाइप ही फिनिश देते हैं, बस जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एब्जॉर्ब नहीं करता। सो लेट्स ब्लेंड दिस आउट। समवेयर इसने दोनों साइड सिमिलर टाइमिंग पे ब्लेंड हुआ है, एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली सेम, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट ठीक है। अभी हम इसे करते हैं थोड़ा सा बिल्ड एंड विद एक्स्ट्रा प्रोडक्ट।
जिससे कि पता लगे कि ये कैसा लगने वाला, लाइक स्किन लुक लाइक लगेगा भी या नहीं। एंड लेट्स ब्लेंड दिस। बोथ साइड लुक्स एक्सट्रीमली सिमिलर, लाइक यू कैन सी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड ये क्रीस नहीं हुआ है, लाइक क्रीस नहीं हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो हल्का सा मेरी लाइन्स में ना सेट हो गया है। बट बिल्ड करने के बाद में भी ये मीडियम कवरेज लग रहा है, वो हाई कवरेज इफेक्ट नहीं दे रहा जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। इट्स लाइक अ सिंपल लाइट टू मीडियम कवरेज कंसीलर, मेरे अकॉर्डिंग इट्स नॉट फुल कवरेज कंसीलर। एंड हो सकता है कि मैंने प्रोडक्ट थोड़ा कम लिया, उसे एक बार मैं और तरफ ब्लेंड करके देख लेती हूँ, बट आई डोंट फाइंड इट फुल कवरेज। एंड ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट भी हम अभी करेंगे। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट ले लिया, एंड मैंने अपने जनरल कंसीलर से ना थोड़े ज़्यादा ही प्रोडक्ट यूज़ करा है, बट इसने मुझे तब भी फुल कवरेज इफेक्ट नहीं दिया। हाँ, सो जैसा आप देख रहे हो, मैंने दोबारा लेयर ब्लेंड करी है। कैमरे पे लग रही होगी, बट इन पर्सन इट्स नॉट लुकिंग फुल कवरेज। एंड तीसरी लेयर करने के बाद में ये केकी हो गया है, सेपरेट हो रहा है, एंड जो लाइंस है उन्हें इनहेंस कर रहा है, एंड इट नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, बट इट्स ओके इस प्रोडक्ट। तुम पास कर सकते हो, मुझे स्विस ब्यूटी वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ऑक्सीडाइजेशन आप देख सकते हो, सो ये वन शेड ऑक्सीडाइज हुआ है, मीन्स काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है। वन शेड ऑक्सीडाइज को ना आप ऑक्सीडाइज नहीं बोल सकते, आप सेटल ही बोल सकते हो, कि आपकी स्किन में काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है। इन पर्सन भी ये काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, मतलब इतना कोई ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। बट मुझे लगता है मेरे लिए स्विस ब्यूटी वाला ही बेस्ट है, मैं उसे ही यूज़ करूँगी, बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि इसके लिए इतना प्राइस देके एंड ये इतना अच्छा वर्क भी नहीं कर रहा है। कंसिस्टेंसी में लाइट है, सो मैंने अपनी आंखों को सेट कर लिया। लाइक यू कैन सी, आप अभी भी पीक मेरी स्किन देख सकते हो, एंड जो रेडनेस है मेरी स्किन पे वो भी देख सकते हो। सो बेसिकली पाउडर से सेट होने के बाद में हल्का सा मडी भी लग रहा है। सो या आप टोटली इसे पास कर सकते हो, इससे अच्छे कंसीलर्स अवेलेबल हैं हमारी मार्केट में डेफिनेटली। इसकी जगह मैं स्विस ब्यूटी भी रिकमेंड करूँगी, स्विस ब्यूटी वाला मस्त है, एकदम काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है। बट अगर बात करें इनके फॉर्मूले की, इन्होंने कैसा बनाया है फॉर्मूला, इन्होंने अच्छा बनाने की कोशिश करी है, प्राइस थोड़ा सा हाई है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इन्होंने जो फुल कवरेज का क्लेम करा है, उतना फुल कवरेज ये नहीं लगा मुझे पर्सनली। एंड गाइज, इट्स माई ओपिनियन, सो अगर आपको इस पर कोई और रिव्यूज़ देखने हैं तो डेफिनेटली आप अदर क्रिएटर्स को भी सही देखो, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग होती है और सबकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग होता है। बट ऑल्दो मुझे लगता है कि ये फाइन लाइंस में सेट हो रहा है 645 रुपीस में। फर्स्टली बहुत सारे अफोर्डेबल कंसीलर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं अगर इसे ब्रांड के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो उन्होंने क्लेम करा है कि ये फुल कवरेज है, जो कि ये फुल कवरेज नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरी स्किन को सिर्फ मीडियम कवरेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हार्डली, अगर मैंने इसकी 2 से 3 लेयर अप्लाई करी है तब। बट ये स्किन लुक लाइक लग रहा है, येस, बट पाउडर से सेट होने के बाद में ये मडी भी लग रहा है। आप देख सकते हो, ये इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं लगे हुए कंसीलर को, एंड आप देख सकते हो किस तरीके से, कितने गंदे तरीके से ये मेरी आई लिड पे सेट हो रहा है, जबकि आई लिड आपका ऑयली पार्ट होता है, आपके पूरे फेस का सबसे एक्सट्रीमली ऑयली पार्ट होता है आपके आई लिड्स, और आप देख सकते हो किस तरीके से सेट हो रहा है, जबकि पाउडर से भी मैं सेट कर चुकी हूँ। सो आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक अ क्रीज प्रूफ समथिंग, आई डोंट थिंक सो। क्लेम एक्शन में नहीं दिखा रहा, जैसा आप देख सकते हो। सो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ नायका कंसीलर। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि वो हल्का से मेरी अंडर आइज़ को ना ग्रेइश लुक दे रहा था। आई डोंट नो, जितने भी लोग मुझसे मिले सब ने एक ही चीज़ बोली कि मेरी अंडर आइज़ यूजुअल इतनी ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं लग रही है, एंड समथिंग इज़ रॉन्ग इन माई बेस। बट वो सिर्फ एक कंसीलर था जो मैंने डिफरेंट यूज़ करा था, तो डेफिनेटली आई डोंट लाइक दिस कंसीलर एट ऑल, आई डोंट रिकमेंड यू। इफ़ यू have dry skin, stay away. If you have oily skin, if you wanna try, you can try this, but I don't think so. formula ne jo claim kara hai wo us formula mein kuch bhi nahi hai. So yeah, and that's it, and I hope you like this review. If you like this, don't forget to like, share, subscribe, and links of these products in description box, so don't forget to check. Bye guys.